हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज का जो ज़माना है झूठ का बोलबाला है, और सच के मुंह से तो आ तक नहीं निकलती। झूठ के शीश पे हरदम ताज होता है दोस्तों। आज के ज़माने में सच्चाई फुटपाथ पर बैठी रहती है लहूलुहान, झूठ निरंतर बढ़ता जाता है निर्भय सीना तान। उन्नति करते जा रहे हैं सारे झूठे मक्कार, होगा जाने किस तरह सच का बेड़ा पार। झूठ तुम्हारे हो गए कितने लंबे पैर, सच की इज्जत दांव पर अब तो राम करेंगे खैर। दोस्तों, झूठों का ज़माना है, झूठ का बोलबाला है। ऐसे में कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, पहचान पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। किसके मन में क्या है, कौन सी बात हमसे छिपा रहा है, ये हम सभी जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पाते। दोस्तों, गरुड़ पुराण के मुताबिक कौन व्यक्ति सच बोल रहा है, कौन झूठ, किसके मन में क्या चल रहा है, इन सभी की बातों को जानने के लिए शरीर से जुड़ी हुई कुछ खास बातें वो हमें गरुड़ पुराण सिखाता है। कैसे हम किसी भी व्यक्ति के सच और झूठ को पकड़ सकते हैं? दोस्तों, लोगों की आदतें उनके स्वभाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाती है। तब वो क्या बोलते हैं, समझते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसका अंदाज़ा लगा पाना कठिन हो जाता है। उनका अंदाज़ इतना अट्रैक्टिव, स्पेशली आपने देखा होगा जो लोग झूठ बोलते हैं उनका अंदाज़ इतना अट्रैक्टिव होता है, उनके चेहरे पर ऐसी मिठास होती है कि उनके द्वारा बोला गया झूठ भी सच लगने लगता है। दोस्तों, कुछ लोगों की तो पर्सनैलिटी ही इस तरह की होती है कि वो झूठ को भी इस तरह से खूबसूरती से सजा कर बोलते हैं, सच से बढ़कर प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं। इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि उनके सामने आपको अपनी भी सच्ची बात हो वो भी झूठ लगने लगती है। दोस्तों, झूठ से बचें, लेकिन सच को नीचा दिखाते हुए बोला गया झूठ याद रखें एक ना एक समय खुलता है कि नहीं खुलता है वो दूर की बात, लेकिन आपको हानि ज़रूर पहुंचाता है, आपके जीवन के लिए हानिकारक हो जाता है। इसलिए जितना हो सके झूठ से बचें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम पहचाने कैसे कि सामने वाला इंसान सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके तो बोलने का जो अंदाज है, उसका जो कॉन्फिडेंस है झूठ बोलने का, और जो वो बातें बताते हैं या दलीलें देते हैं वो हमें असमंजस में डाल देती है। लेट्स सपोज एक घर में एक सास और बहू का झगड़ा हो रहा है, और ऐसे में जब हस्बैंड ऑफिस से आता है, बहू उसे कोई बात बताती है, सास अगर उसी बात को बढ़ा चढ़ा के झूठ सच करके आंसुओं के साथ या बहुत अच्छे से चालाकी से समझा देती है, तो बेटा अब किसकी बात मानेगा। ऐसे में दोस्तों, एक बेटे के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो समझ सके कि उसकी पत्नी सही है या उसकी माँ सही है। दोस्तों, ये मैंने छोटी सी बात बताई, इसी तरह के सिचुएशंस ऑफिसेज में हो सकते हैं, कोलीग्स के साथ हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में आप फंस सकते हैं, इसलिए स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी है। आसान से टिप्स आपको मैं बता रही हूँ इस दुविधा को हल करने का, ऐसे तरीके बता रही हूँ आसान से जो आपको झूठ पकड़ने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कोई जादू टोना नहीं है, टोटका नहीं है दोस्तों, बल्कि ऐसे टिप्स हैं जिनको आजमाने पर आप जान सकेंगे कि सामने वाला सच बोल रहा है कि झूठ। लेकिन सबसे पहले इसके लिए आपको ज़रूरत है एकाग्र होने की, यानी कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत स्ट्रांग रखने की। जैसे ही आपको लगे कि सामने वाला बंदा, आप कन्फ्यूजन में आ जाए कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, किसकी बात कैसी है, दोस्तों ऐसे में ऑब्जर्विंग आपको बहुत जरूरी है। आप दूसरे शब्दों में अगर ये बताऊं तो मन और मस्तिष्क में चल रही बात को खींचकर जुबान पर लाने की एक कोशिश है, जिसके सफल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। सच या झूठ का टेस्ट करना है तो सबसे पहले ध्यान दें सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पर। जब भी किसी से बात करते समय आपको शक हो जाए कि सामने वाला इंसान हो ना हो आपसे झूठ बोल रहा है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज यानी वो उस समय किस तरह से व्यवहार कर रहा है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। सात चीजें होती है जो गरुड़ पुराण में मैंने बताया आपको बताई गई है। एक तो शरीर के आकार, दूसरा संकेत, तीसरी गति, चौथी चेष्टा, पांचवी वाणी, छठा नेत्र और चेहरे की भाव भंगिमा। इनको देख करके दोस्तों आप जान सकते हैं कि सामने वाला आपसे सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है।
जब आप किसी स्त्री या पुरुष से किसी खास विषय पर बात करते हैं, कद काठी के आधार पर वो क्या सोच रहा है ये पता लगाया जा सकता है। अगर वो आपकी बातों को लेकर गंभीर नहीं है या झूठ बोल रहा है तो उसके कंधे झुके हो सकते हैं। सामने वाला बंदा अगर कंधे झुका करके कुर्सी पर बैठा है तो समझ जाए कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है या उसके दिमाग में कोई ना कोई चाल चल रही है। अगर वो आराम की अवस्था में है, इस कारण उसकी कद काठी में थोड़ा अंतर आपको दिखाई देता है, तो भी दोस्तों समझ जाएं कि वो झूठ बोलने के लिए बेताब है। दोस्तों इस अंतर को समझकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में या आप जिस विषय पर बात करने वाले हैं उसमें क्या सोच रहा है और आपसे झूठ बोलने की तैयारी में है। दोस्तों किसी किसी की आदत होती है, जब वो किसी से बात करता है तो अपने दोनों या एक हाथ हिलाता है, पैरों पे पैर रखता है। ऐसा होना सामान्य सा बात है, लेकिन जब वही व्यक्ति किसी से झूठ बोलता है या कोई बात छिपाता है तो शरीर के इन संकेतों में बदलाव देखे जा सकते हैं। कभी कभी वो जोर जोर खांसने लगता है, कभी कभी गला खरखराने लगता है, कभी कभी अपने पैरों को अकड़ा लेता है या कभी कभी अपने पैरों को जोर जोर हिलाने लगता है, हाथ फेंक फेंक कर बातें करता है और जोर जोर बोलने की ट्राई करता है। इन बदलावों पर गौर करने से जाना जा सकता है कि कोई भी इंसान सच्चा है कि झूठा है। दोस्तों किसी से कुछ झूठ बोलते समय या कोई बात छिपाते समय शरीर की गति में परिवर्तन होना संभव है। शरीर की हड़बड़ाहट, जल्दबाजी या अधिक सुस्ती, तीनों चीज़ों से आप जान सकते हैं कि जो व्यक्ति आपसे बातें कर रहा है वो आपकी बातों को लेकर कितना गंभीर है या आपसे सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। दोस्तों वो आपकी बातों पर विचार कर रहा है या सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहा है। अगर बात करते समय कोई भी व्यक्ति अगर आप अचानक से धीमे होकर के चुप हो जाए, सोचे और फिर आपकी बातों का जवाब दे, तो उस इंसान की बातों पर समझ जाना चाहिए कि वो आपको टाल रहा है या फिर आपसे झूठ बोल रहा है। दोस्तों किसी से झूठ बोलते समय या कोई बात छिपाते समय अगर शरीर अचानक ही कुछ ऐसे हरकतें कर बैठता है जो आम तौर पर वो इंसान नहीं करता है, तो इन बातों पर गौर करके कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है कि सामने वाला बंदा आपसे झूठ बोल रहा है या फिर आपसे कोई बात छिपा रहा है। अगर वो भाग भाग करके इधर उधर भागने लगता है और तब आपसे बात करने लगता है या बैठे बैठे शरीर को अकड़ा लेता है और फिर तन के बोलने लगता है, आप समझ सकते हैं कि सामने वाला इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। अगर अपने हाथों को अपने पॉकेट्स में या कहीं पर भी छुपा करके फिर आपसे बात करता है, अगर कोई स्त्री है वो अब साड़ू के पल्लू में या दुपट्टे में अपने हाथों को छुपा करके रखती है, इसका मतलब वो इंसान झूठ बोल रहा है। हालांकि इन बातों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए व्यक्ति के व्यवहार के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप चर्चा कर रहे हो, अगर कोई इंसान बात छुपाता हो या झूठ बोलता हो और अचानक से हड़बड़ा के जल्दी जल्दी बोलने लगे, खूब जोर जोर ऊंची आवाज में बात करने लगे, आवाज में असामान्य उतार चढ़ाव आ जाए, कभी धीरे बोले कभी जोर से बोले, बीच बीच में अटक अटक कर बोले, तो उस व्यक्ति के बोलने के तरीके से आप जान सकते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ऐसे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कई बात छिपाते समय या झूठ बोलते समय आँखों की गति में परिवर्तन आता है। कई बार लोग आपकी ओर देखते देखते मुस्कुरा पड़ते हैं, आँखों को नीचे कर लेते हैं। ऐसे में समझ जाना चाहिए कि सामने वाला इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। कोई भी व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो उसकी आँखें यूजुअली झुकी रहती है, पर आज के ज़माने में इतनी फर्राटेदार सफ़ेद झूठ लोग बोलने लगे हैं, तो दोस्तों ऐसे में आँखों से आँखें मिला करके झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने के बाद जब इंसान इधर उधर देखने लगे तो समझ जाए कि इंसान ने आपसे झूठ बोला है। बात करते समय कभी भी किसी से नजर नहीं मिलाता, नजरें चुराने की चेष्टा करता है, इधर उधर देख देख करके हाथ पैर फेंक फेंक करके जो इंसान बात करता है या फिर हाथों को दबा लेता है किसी चीज में और फिर बात करता है, दोस्तों समझ जाए कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। जब भी कोई व्यक्ति सच बोलता है तो नॉर्मल आवाज में भले लड़ाई हो रही हो तो भी चिल्ला चिल्ला के आपकी ओर देख करके एक इंसान बात करता है, चिल्ला रहा हो फिर भी आप समझ जाएं कि ये पर्सन आपसे सच बोल रहा है।
दोस्तों हर व्यक्ति के चेहरे की भाव भंगिमा यानी कि एक्सप्रेशन हर समय बात करते समय बदलती रहती है। और जब भी कोई व्यक्ति आपसे कोई बात गुप्त रखता है, झूठ बोलता है या किसी के बारे में झूठी बातें आपको बता रहा है, तो उसके चेहरे को देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो आपको किसी के बारे में गलत सिखा रहा है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और चेहरे की भाव भंगिमा को समझकर आप जान सकते हैं कि वो व्यक्ति आपसे सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। दोस्तों जब इंसान जोर जोर हाथ पांव हिलाने लगे, हाथों को छुपाने लगे, हाथ पांव में हलचल करने लगे, आँखों की मूवमेंट करने लगे या आँखें चुराने लगे, आवाज़ में उतार चढ़ाव आ जाए, आवाज़ में कभी कभी हिचकिचाहट आ जाए और बातों को घुमाने लगे, जो चालाक होते हैं दोस्तों वो कुछ पल की शांति और फिर दोबारा उकसाने के बाद बातों को ऐसा घुमाते हैं कि आपको समझ नहीं आएगा कि आपको झूठी पट्टी पढ़ा रहे हैं। दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि बहुत ही बड़ी कला है। अगर आज मैंने आपको बताया, आपने इस कला को सीख लिया कि किसी व्यक्ति के बोलने के अंदाज को जान करके आप समझ पाए कि कौन आपसे झूठ बोल रहा है कौन सच कर बोल रहा है, तो कोई भी कभी भी लाइफ में आपसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। दोस्तों ये नॉर्मल तरीके से बात करते हुए कभी कभी कुछ चालाक लोग धीरे धीरे और सोच समझ करके बात करने लगते हैं, उनसे भी इन बातों की शंका बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये तो मैंने आज आपको बताए हैं छोटे छोटे तरीके, इसके अलावा भी अपने दिमाग से जज करें। कोई भी निर्णय लेने के पहले जब आपको एक जज की तरीके से किसी जगह बैठाया जाए, किसी को भी बिना जाने बिना सोचे समझे कर्ज नहीं करना चाहिए, झूठा नहीं समझना चाहिए। हमेशा अपने दिमाग से काम ले कि कोई भी इंसान को क्या बेनिफिट हो सकता है, किस इंसान को बेनिफिट हो सकता है आपसे झूठ बोलने में, और तब आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि कौन इंसान आपसे झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। कभी भी किसी पे ब्लाइंड फेथ ना करें दोस्तों, क्योंकि एक आप है दुनिया में जो अपने आप से आप सच बोल सकते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में सारे लोग ऐसे होते हैं कि शायद बातों को मैनिपुलेट करके एक दूसरे को बताते हैं। इसलिए दोस्तों सावधान रहें, सच और झूठ को पहचानें। ये चीज अगर आप जानने लगेंगे तो जीवन में बहुत सारी मुसीबतों से आप आसानी से बच सकते हैं। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं तो मुझे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। दोस्तों अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इन बातों को शेयर करना ना भूलें, स्पेशली अपने बच्चों से, अपने मम्मी पापा से या जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ में चेंजेस ला सकती है। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।